किन्नर समाज सदा से ही लोगों की खुशहाली व उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इसी कड़ी में सोलन स्थित कोटला नाला में डिग्री कॉलेज के समीप किन्नर समाज ने भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया, जिसका कि आज विधिवत शुभारंभ किया गया। मंदिर में भगवान शिव व पार्वती की भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। इस दौरान किन्नर समाज ने भोले को मनाने के लिए भजन कीर्तन व नाच गाकर माहौल को पूरी तरह से भक्तिमय बनाया। इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया। हमारे सोलन संवाददाता से बात करते हुए मंदिर निर्माण की मुखिया प्रिया महंत ने बताया कि भोलेनाथ का मंदिर निर्माण किया गया है, यह उनके मन की इच्छा थी जो कि आज भोलेनाथ ने पूरी की है। उन्होंने बताया कि सभी की खुशहाली की कामना मांगी गई है। प्रिया महंत ने बताया कि एक मंदिर के समीप प्याऊ भी लगाया गया है, जहाँ से राहगीर आते जाते पानी भी पी सकते हैं। उन्होंने कहा, मेरे शहर वासियों को हार्दिक बधाइयाँ हो, मेरे भोले जी विराजमान हो गए हैं। कुछ दिनों से इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, आज संपूर्ण हो गया है। आज मेरे भोले जी की मूर्ति शिव परिवार की स्थापना हो गई है। ये सारे शहर वासियों के लिए एक मेरी रत्नी नानी की याद में, मेरे स्वीटी गुरु जी की याद में उनको समर्पित है मंदिर। मेरे दिल में कोई ऐसी इच्छा थी बचपन से कि मेरे डेरे के घर पास में मंदिर होना चाहिए। ये मेरे दिल की अपनी खुद की इच्छा थी, वो आज मेरी इच्छा पूरी हुई। जैसे भोलेनाथ ने मेरी इच्छा पूरी की है, मेरे सोलन वासियों का ऐसी सब इच्छा पूरी करें उनकी। एक ये मंदिर बना है, वो प्याऊ बना है राहगीरों के पानी पीने के लिए। 5 दिन से अनुष्ठान चल रहा था, मूर्ति स्थापना का हवन हो रहा था, आज पूर्ण आहुति हो गई है, संपूर्ण हो गया काम हमारा। अब जय श्री महाकाल। मैं शीला महंत, चेला प्रिया महंत, वो मेरे गुरुजी है, और ये हमने मंदिर बनाया है। तो आज मंदिर की मतलब मूर्ति की स्थापना हो चुकी है, सुबह हवन चल रहा था, अभी भंडारा बनने वाला है। तो हम सोलन नगरवासियों के सुख शांति के लिए मंदिर बनाया है। हमारे जो पार्षद थी, पूर्व पार्षद रत्नी नानी, उनकी इच्छा थी कि इस जगह पर मंदिर बनाया जाए, तो उनकी इच्छा अब पूरी हो चुकी है। और यहाँ पर प्याऊ का भी निर्माण हो चुका है, हमने प्याऊ बनाया है यहाँ से आने जाने वालों के लिए।